नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पट्टनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी, भोपाल में फटाके बेचने के लिए गाइडलाइंस तय कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुतली बम और सीरीज बम बेचने पर रोक लगाई गई है। तो दुकानदार के पटाखे बेचे जमा किए जाए, लाइसेंस रद्द होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दुकानदार के खिलाफ थाने में केस दर्ज होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दुकानों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम भी किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर अहम जानकारी, भोपाल में पटाखे के बेचने के लिए गाइडलाइंस तय कर दी गई है और सुतली बम और सीरीज बम बेचने पर रोक लगा दी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दुकानदार ने पटाखे बेचने और जमा किए तो लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। दुकानदार के खिलाफ थाने में केस दर्ज भी होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दुकानों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम भी जरूरी है। ये तमाम गाइडलाइंस तय की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर दिवाली से पहले भोपाल में पटाखे बेचने के लिए गाइडलाइंस तय कर दी गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सुतली बम और सीरीज बम बेचने पर रोक लगाई गई है। वहीं दुकानदार ने पटाखे बेचे तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा, दुकानदार के खिलाफ थाने में केस दर्ज होगा। ये तमाम वो गाइडलाइंस है जो जारी कर दी गई। दिवाली से पहले पटाखे बेचने वाले दुकानदारों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम होना अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी के लिए कुलभूषण सक्सेना भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, क्या ये गाइडलाइंस जो है पूरे प्रदेश भर के लिए या फिर केवल भोपाल के लिए? देखिए, राजधानी भोपाल में जो आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं, उस आदेश में जो हवाला दिया गया है, क्योंकि मुरैना में जो पटाखे फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसके बाद राजधानी भोपाल में जो सुतली बम है, बड़े बम है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि उनका जो साउंड होता है वो काफी तेज होता है। कहीं ना कहीं कई बच्चे जो है पटाखे फोड़ते टाइम घटना का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुतली बम पर बैन लगाने की बात कही गई है। अब जो पटाखे के संचालक है, जो दुकानदार है, वो इन नियमों को कितना पालन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दुकानों में जो है सबसे ज्यादा डिमांड सुतली बम रस्सी बम की होती हुई नजर आती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो प्रशासन की गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के अनुसार अगर दुकानदार रस्सी बम सुतली बम बेचता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो उसका चालान के साथ साथ जो लाइसेंस है वो भी निरस्त किया जाएगा। वहीं जिन क्षेत्रों में पटाखे मिल रहे हैं, उन क्षेत्रों पर अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने के तमाम क्या क्या साधन मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ सुविधा अपनी दुकानों में कर रखा है, जो लाइसेंस देते समय जो नियमावली होती है, उन नियमावली को कितना फॉलो किया जा रहा है, क्या उनका पालन किया जा रहा है, ऐसे तमाम अगर जांच के दौरान पहलू नहीं पाए जाएंगे तो जो दुकान के संचालक है, जो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन ने ठीक दीपावली के दो दिन पहले जो आदेश जारी किए हैं सुतली बम को लेकर और तेज साउंड, तेज ध्वनि वाले पटाखों को लेकर, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या दुकानों में रस्सी बम सुतली बम बिकते हुए नजर आएंगे। अगर बिकेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुलभूषण, एक और बार जानना चाहूंगी कि जिन बम या फिर पटाखों पर बैन लगा है वो कौन कौन से बम है जिन्हें बेचने में बैन लगाया गया है या फिर मना किया गया है? देखिए, जो तेज साउंड वाले बम होते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि रस्सी बम और जो सुतली बम होता है वो काफी तेज उसका साउंड होता है, और यहाँ पे साउंड के साथ साथ वो लोगों को डरा भी देता है, क्योंकि इस समय जो है हार्ट से संबंधित विशेष तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार जब फटाके फोड़े जाते हैं तो जो प्रदूषण दूषित होता है, तकरीबन 2 से 3 दिन तक जो धुआं ही धुआं छाया रहता है, और उसके बाद जो लोगों को तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज ध्वनि, तेज साउंड वाले पटाखों से लोगों को हार्ट की समस्या होती है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं कहीं ना कहीं उनको घबराहट होती है, उनको डर लगता है, या फिर वो पटाखे फूटते टाइम डर जाते हैं, या हम उसको चमकना भी कहते हैं कि लोग चमक जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से जो है आदेश निकाले जा रहे हैं जिससे घरों में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो इस पटाखों से डरे नहीं और किसी को भी जो है नुकसान ना हो।
और स्वाभाविक सी बात है, बच्चों को पटाखे फोड़ने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, दुकानदारों को बेचने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वही पटाखे जिससे लोगों को नुकसान होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है कुलभूषण, जाहिर सी बात है गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, वहीं देखना होगा कि क्या गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है नहीं।